आप कहाँ से आते, कहाँ से आप कहाँ से आते कहाँ से कहाँ से आए? कौन सी एरिया से? औरंगाबाद से है कि औरंगाबाद के बाहर से आप? औरंगाबाद से कहाँ से आया? रोशनगढ़ जाली जो है, तो या डिलीवरी का पेशेंट रहो या एक्सीडेंट का रहो या कोई भी पेशेंट रहो, उसको डायरेक्ट कोरोना 10 बता रहे, तो इसके ऊपर कलेक्टर साहब से ये गुजारिश है कि इसके ऊपर कोई ऑप्शन उठाओ, कुछ हमारे लोग यहाँ खड़े रहने दो, हमको भी देखना है कि क्या कर रहे, क्या कोरोना 10 है ये। कोरोना 10 के अंदर पेशेंट आया तो ये नहीं करते कि उसको लापरवाही से डाल दे रहे, हाँ दो दो चार आठ आठ नौ नौ घंटे वो पानी नहीं पी रहा, हाँ तो उसकी कहाँ से, वो जिंदा कहाँ से रहेगा? 40 पेशेंट दो डॉक्टर है वहाँ, 40 पेशेंट दो डॉक्टर, आप क्या कर रहे हो? उसको ना पानी पीने दे रहे, ना रिलेटिव को जान दे रहे, तो करना क्या? कल हमने पेशेंट लेके आए थे, अच्छा कल दोपहर के टाइम में 2 बजे के लगभग हमने लेके आए थे कि भाई घाटी के अंदर हमारा कोई ट्रीटमेंट अच्छा इंसाफ हो जाएगा, और अभी 5 बजे बोलते कि रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, और 7 बजे के टाइम फोन मार के बोलते कि डेट लेके जाओ करके। ये अगर यहाँ का ये तरीका रहेगा तो आप हमको बोल दो, हम हमारे हिसाब से आपको पेशेंट को हम हमारे घर में मार डालेंगे, यहाँ तक तो नहीं लाने वाली थी। अब एक जान तो चले गई मेरी। आप कहाँ से? रोशनगढ़ शरीफ कॉलोनी। आपके कौन थे यहाँ एडमिट? बहन के सास थे हमारे, उनके सपोर्ट में कोई भी नहीं, अपोज में कोई भी नहीं उनके लिए बोलने के लिए, और अभी उनका जो कल से लाने के बाद भी उनका ये हाल होगा बोले तो फिर ये गलत है। हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब से गुजारिश है कि थोड़ा तवज्जो दे घाटी के ऊपर, और हमारे जो वो कलेक्टर साहब उनसे भी अद्वंद गुजारिश है कि भाई वो थोड़ा बहुत तवज्जो दे और पेशेंट के ऊपर ध्यान दे, बस। आपके कौन है? वाली साहब है मेरे। कहाँ से आते हैं आप? लेबर कॉलोनी। लेबर कॉलोनी। हमारे 3 डिस्चार्ज कार्ड यहाँ के बने हुए, सांस की बीमारी की। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आपके किडनी का उपचार चालू है। अच्छा, किडनी का उपचार। और आप डायलिसिस हुआ? हमको यही पूछना है कि कोरोना में डायलिसिस होता है? डायलिसिस का आते थे तो कोरोना का पेशेंट बोल के उनका एडमिट कर लिया था। क्रिएटिन लेवल 5.4 थी, अभी तो फाइव ठीक है, अभी भी पॉजिटिव है, 10 दिन पूरे हो जाएंगे। सब फंसा रहे या मुसलमान लोगों के साथ साजिश है ये पूरी। यहाँ पे लाओ ही मत कोई पेशेंट, खासकर तो मुसलमान घर में मर जाओ लेकिन यहाँ मत लाओ। बहुत ऐसे और पेशेंट को पीने को पानी नहीं है, पेशेंट अंदर गिर जा रहे, पड़ जा रहे, कोई उठाने को भी नहीं है, मैंने मेरे आंखों से देखा खुद। लोग का कहना है कि जितने भी पेशेंट्स हैं जिसको जो जो बीमारी होती है नॉर्मल बीमारी, तो उसको भी क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। तो ये लोगों की गुजारिश है कि बराए मेहरबानी घाटी के अंदर ना आए, यहाँ कास्टिज्म चालू है, जातिवाद चालू है, ये डर के मारे यहाँ पे लोग नहीं लाना चाहिए, और जो भी अगर लेके आते हैं तो यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी तक 9 लोगों की डेथ हो चुकी है इफ्तार से अभी तक 7 बजे से जो भी है, अभी 9 बजे से 9 से 10 के दरमियान 9 लोगों की डेथ हो गई है बता रहे हैं लोग। चार पेशेंट ऐसे हैं जो डिलीवरी है, उनके बच्चे 2-2, 3-3 दिन के वो पॉजिटिव बोल रहे, जो रूम वो रूम में बच्चे भी उनके साथ हैं एडमिट, छोटे 2-2, 3-3 दिन के डिलीवरी वहाँ हो रही या पॉजिटिव बोल के डाल दे रहे, और बाद में बच्चे को कौन संभालेंगे? माँ इधर है तो 2 दिन के बच्चे को दवा लिख के दे दे रहे हो पाउडर, जबकि माँ का दूध 2 साल तक पिलाना पड़ता, ये खुद 2 दिन के बच्चों को दूध की बोतल लिख के दे दे रहे, और घर पे कौन संभालेगा? माँ इधर है तो। अब इनका कहना है कि बच्चे छोटे हैं, 2 महीने का बच्चा है, 2 दिन का बच्चा है, तो माँ से अलग रख रहे, ना वहाँ पानी पीने की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है। अब ये सबसे गुजारिश करते हैं ये कि भाई इनका देख रेख अच्छी से हो, या फिर ये घाटी के अंदर ना ला जाए पेशेंट। कैमरामैन शेख गरीब के साथ जर्नलिस्ट जुबैर रहमान, MCN समाचार, औरंगाबाद।